कर्नाटक की राजनीति को अगर छोड़ दिया जाए तो इस राज्य की कुछ ऐसी बातें हैं जिसे बेहद कम लोग जानते हैं। दोस्तों, कर्नाटका की स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। उस वक्त इसका नाम मैसूर हुआ करता था। नवंबर 1973 को इसका नाम बदलकर कर्नाटक रख दिया गया। आपने महारानी लक्ष्मीबाई का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने रानी चेन्नम्मा के बारे में सुना है, जिन्होंने लक्ष्मीबाई के भी 10 साल पहले से अंग्रेज के खिलाफ खड़ी थी। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के किंतूर राज्य की रानी थी। भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाली सबसे पहला शासकों में से उनका नाम लिया जाता है। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर देश भर में फहराए जाने वाले खादी के तिरंगे झंडे का कर्नाटक से बहुत बड़ा संबंध रहा। हुबली बंगेरी में कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ है, जो तिरंगे झंडे बनाने का काम करने वाली देश की एकमात्र संस्था है। कर्नाटक संगीत भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली का नाम है। ये संगीत ज़्यादातर भक्ति और हिंदू देवी देवताओं को समर्पित होती है। भारत में मुगल साम्राज्य से ज़्यादा विजयनगर साम्राज्य का आधिपत्य रहा। 1336 से लेकर 1646 में विजयनगर दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा साम्राज्य था। इसके राजाओं ने 310 साल राज किया। विजयनगर के अवशेष कर्नाटक राज्य में हम्पी शहर के निकट पाया गया और एक विश्व विरासत स्थल है। कर्नाटक राज्य के सबसे मशहूर मैसूर पैलेस को 1912 में कृष्ण राजा बड़ियारा ने बनाया था। आगरा के ताजमहल के बाद इस पैलेस को देखने के लिए सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। गोल गुबंद कर्नाटक राज्य के बीजापुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के 7वें शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये दुनिया का दूसरा सबसे विशाल गुंबद है और इसे बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा। बेंगलुरु पैलेस को 1826 में गैरेट ने बनवाया था। वो सेंट्रल हाई स्कूल के पहले प्रिंसिपल भी थे। 1935 में भारत का पहला प्राइवेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन 91.5 FM शुरू करने वाले MB गोपाल स्वामी कर्नाटक के ही थे। 1859 को मैसूर शहर में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र पब्लिश हुआ था, जो कन्नड़ भाषा में थे। कर्नाटका में आपको हर एक किस्म के कल्चर, खासकर ट्रेडिशनल और साथ ही पश्चिमी कल्चर भी देखने को मिलेगी। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटका भारत का सबसे पहला प्रदेश है। यहाँ घूमने के लिए सिर्फ भारत से नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। रश्मिका मंदाना साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्ट्रेस है। रश्मिका मंदाना भी कर्नाटक से आती है। तो दोस्तों, कर्नाटका के बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।